गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल हैव अ वंडरफुल डे टुडे। बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, यू विल फोल्ड योर हैंड्स एंड प्रे विद योर म्यूजिक टीचर्स फॉर योर गुड हेल्थ। और आर एंड आपका 9 है, तो टाइम क्या हुआ? 9 o'clock।
Rekha, now you will read and learn this table with me. First of all, tell me, one day is equal to how many hours? Rekha, आपको बताया था मैंने पहले भी. One day is equal to 24 hours. One day में 24 hours होते हैं. Now tell me, how many minutes are there in 1 hour? 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour में कितने minutes होते हैं? 60 minutes. Now, how many seconds are there in 1 minute? 1 minute is equal to 60 seconds. 1 minute में कितने seconds होते हैं? 1 minute is equal to 60 seconds. Now, how many days are there in 1 week? 1 week में कितने days होते हैं? Very good. 1 day में 7 days होते हैं. ये तो आपको पहले ही पता ना? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 1 week is equal to 7 days. अब बेटा, 1 month में कितने days होते हैं? 1 month has 30 or 31 days. किसी मंथ में 30 days होते हैं और किसी मंथ में 31 days होते हैं. अब ये आपको टेबल क्या करना है? आपको लर्न करना है. इवन ऑन पेज नंबर 66, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन? यू हैव टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स. आपको आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. अब बेटा, अभी मैंने बताया था ना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 आवर में अगर 60 मिनट्स होते हैं, आपको 7 आवर्स के फाइंड आउट करने ना, तो आप क्या करेंगे? 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप देखेंगे 67 का कितना होता है. 60 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें. 7 जीरो 0, 7 सिक्स 42. तो 7 आवर्स में कितने मिनट्स आ गए? 420 मिनट्स. दिस इज योर ए पार्ट. नाउ इन एफ पार्ट 12 आवर्स आर गिवन. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 12 आवर्स. अब बेटा, आपको मालूम है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 आवर्स में कितने होंगे? आप क्या करेंगे? 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. 60 मल्टीप्लाई 12. अब आपको डबल डिजिट मल्टीप्लाई करना आता है ना, मैंने आपको सिखाया था. अब मुझे बताइए, 2 जीरो 0, 2 सिक्स 12. शाबाश. नाउ यू विल पुट क्रॉस हियर. 1 जीरो 0, 1 सिक्स 6. Now you will add both these numbers. 0 plus 0 is 0. 2 plus 0 is 2. 1 plus 6 is 7. तो आपकी 12 hours में कितने minutes आ गए? 12 hours is equal to 720 minutes. Is it clear to you? Now I will do G and H part. G part. You have to calculate how many minutes are there in 1 day. अब आप सोच रहे होंगे कैसे करेंगे? वन मैम ने तो बताया था कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं. अब तो हमें 1 day का निकालना है. अब मैंने आपको बताया था कि 1 day में कितने hours होते हैं. 1 day has how many hours? 1 day has 24 hours. अब 1 day में 24 hours होते हैं, ठीक है ना. अब आप मुझे बताइए, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 1 hour is equal to 60 मिनट्स. अब आपको 1 day में मिनट्स निकालना ना. 1 day में मिनट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 24 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे. 1 day is equal to 24 मल्टीप्लाई 60. अगर आप 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 day में कितने मिनट्स होते हैं. अब आप करके देखिए, 24 को 60 से मल्टीप्लाई
Now tell me, 0 4 size is 0. 0 2 size is 0. अब फर्स्ट नंबर के नीचे क्या आ जाएगा? क्रॉस. 6 4 size is 24. 4 नीचे 2. Carry. 6 2 size is 12. 12 plus 2 is 14. Now you will add both these numbers. 0 plus 0 is 0. 0 plus 4 is 4. यहाँ पर only 4 है, तो आप क्या लिखेंगे? 4. Here it is 1. You will write 1. तो 1 day में कितने minutes आ गए? 1440 minutes. 1 day has 1440 minutes. अब आपको आपको एक और तरीका बताएगा ना, या 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो. 24 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपके आपके पास आ जाएगा 1144 और उसमें आप 0 ऐड कर देंगे तो भी आपका ये आंसर आएगा 1440 minutes. Now this is your H part. In H part, you have to find out how many minutes are there in 1 week. अब 1 week का निकालना है आपको. 1 week का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप days, 1 week में कितने days होते हैं वो देखेंगे ना. 1 week has how many days? 1 week has 7 days. 1 week में कितने days होते हैं? 7 days होते हैं. And 1 day में कितने hours होते हैं? 1 day has 24 hours. 1 week में 7 days होते हैं और 1 day में 24 hours. अब आपको minutes निकालना है ना, तो आप देखेंगे कि 1 hour में कितने minutes होते हैं. 1 hour has 60 minutes. अब बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है ना कि 1 week में कितने मिनट्स होते हैं. 1 week में मिनट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन तीनों को 7 × 24 × 60 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि 1 week में कितने मिनट्स होते हैं. 1 week इज इक्वल टू 7 × 24 × 60. सबसे पहले आप क्या करेंगे? 24 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप करके देखिए 24 और 7 को मल्टीप्लाई. 7 4 is 28. 8 नीचे और 2 कैरी. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 7 विद 2. 7 2 is 14. 14 प्लस 2 is 16. 24 multiply 7 is 168. Now you will multiply 168 with 60. 168 को आप किससे multiply करेंगे? 60 से multiply करेंगे. आपको मैंने एक और तरीका बताया था ना, पहले आप 6 से इन नंबर्स को multiply करेंगे और साथ में 0 लिख देंगे. एक तो ये बताया था और दूसरा डबल डिजिट था. अब मुझे बताइए 0 8 का कितना होता है? 0. 0 6 is 0. 0 1 is 0. First number के नीचे क्या आएगा? Cross. 6 8 is 48. 8 नीचे and 4 tens place पर carry. क्योंकि 1 place का tens place पर carry होता है ना. Now you will calculate 6 6 are. 6 6 is 36. 36 plus 4 is 40. 40 का 0 नीचे एंड 4 हंड्रेड्स प्लेस पर कैरी हो जाएगा. टेंस का कैरी हंड्रेड्स में कैरी हूँ, हंड्रेड्स में होता है ना. अब 6 1 का 6, 6 प्लस 4 इज 10. नाउ यू विल ऐड बोथ दिस नंबर्स. 0 प्लस 0 इज 0. 0 प्लस 8 इज 8. 0 प्लस 0 इज 0. 0 है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ 0 लिख देंगे. यहाँ पर क्या है? 1. यू विल राइट हियर 1.
तो आपके पास वन वीक में कितने मिनट्स आ गए? वन वीक हैज 10,080 मिनट्स। अब आपने क्या किया, वन वीक का निकालने के लिए, वन वीक में मिनट्स निकालने के लिए 7 × 24 × 60 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 10,080 मिनट्स। देयर आर 10,080 मिनट्स इन वन वीक। बेटा नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 66। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनट्स। दिस इज योर ए पार्ट, ए पार्ट इज 5 hours 40 minutes। अब इसमें आप देख रहे हैं टू पार्ट्स हैं, 5 hours 40 minutes। अब इन टू पार्ट्स के बीच में आप क्या डाल देंगे, प्लस 5 hours + 40 minutes। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, इन टू पार्ट्स के बीच में प्लस का साइन डाल देंगे। तो इन टू पार्ट्स को कैसे याद रखिए, 5 hours + 40 minutes। अब ये ऑलरेडी मिनट्स में है ना, ये ऑलरेडी मिनट्स में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आवर्स को मिनट्स में करना है। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ना, 1 hour 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 hours में मिनट्स कैसे होंगे, 5 × 60। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 60 by 5। 5 zeros are 0, 5 6 are 30। अब आपके पास 5 hours में 300 मिनट्स आ गए ना, 5 hours = 300 minutes। अब इसमें क्या प्लस करना है, 300 मिनट्स में 40 मिनट्स प्लस करने हैं। अब मुझे बताइए 300 प्लस 40 कितना होता है, 300 प्लस 40 इज 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 4 इज 4, 3 प्लस 0 इज 3। तो आपके पास 5 आवर्स 40 मिनट्स में कितने मिनट्स आ गए, 340 मिनट्स। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज योर बी पार्ट। इन दिस बी पार्ट यू हैव टू चेंज 8 hours 35 minutes इनटू मिनट्स। जैसे आपने ये किया वैसे आप बी पार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों के बीच में प्लस साइन डालना है ना, 8 hours + 35 minutes। 8 hours + 35 minutes, अब आप आवर्स को मिनट्स में चेंज करेंगे, ये ऑलरेडी मिनट्स में है। 8 hours को मिनट्स में चेंज करने के लिए आप 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 60 minutes + 35 minutes। अब आप 8 60 को 8 से मल्टीप्लाई करें। नाउ टेल मी, 8 zeros are 0, 8 6 are 48। तो आपके 8 hours में कितने मिनट्स आ गए, 480 मिनट्स। 480 मिनट्स में आप क्या करेंगे, आप 35 मिनट्स को प्लस करेंगे। 480 + 35, 0 + 5 is 5, 8 + 3 is 11, 1 × 1 = 10, 1 + 4 is 5। यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालना नहीं भूल रहे हैं। अब आपके पास 8 hours 35 minutes में कितने मिनट्स आ गए, 515 मिनट्स। 8 hours 35 minutes इक्वल टू 515 मिनट्स। नाउ यू विल डू सी एंड डी पार्ट योरसेल्फ। बेटा हियर इज द कैलेंडर ऑफ 2020। नाउ यू विल सी हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन दिस कैलेंडर। यस, देयर आर 12 मंथ्स इन दिस कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट द डेज ऑफ ईच मंथ। बेटा अभी आपने 2020 का कैलेंडर देखा है ना, 2020 के कैलेंडर में आपने क्या देखा कि वन मंथ में कितने डेज होते हैं, वन मंथ है 30 और 31 डेज।
आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं और आपको ये क्या दिख रहे हैं? ये आपको नकल्स दिख रहे हैं ना, नकल्स KNUCKLES नकल्स। अब जो ऊपर पार्ट उठ रहा है उसे क्या बोलते हैं? वो 31 डेज हो गए, जो अंदर है वो आपके 30 डेज है। अब यहाँ से आप जनवरी से शुरू कीजिए, ये जनवरी है, जनवरी है 31 डेज, क्योंकि ये ऊपर उठे हुए 31 डेज है ना, जनवरी है 31 डेज। अब नीचे ये है फरवरी, आप फरवरी में देखते हैं ना कि 28 और 29 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज कब होते हैं? जब लीप ईयर नहीं होता। और लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं फरवरी में? 29 डेज हो जाते हैं। नाउ दिस इज योर फरवरी, के बाद क्या आता है? मार्च। मार्च में कितने डेज हो गए? 31 डेज। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल अंदर जा रहा है ना, तो आप क्या काउंट करेंगे, कितने डेज काउंट करेंगे अप्रैल में? 30 डेज। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने डेज होंगे? 31 डेज। मई के बाद जून, जून में कितने डेज होंगे? 30 डेज। जून के बाद जुलाई, जुलाई में 31 डेज, क्योंकि ऊपर उठ रहा है ना। अब जुलाई के ऊपर ही अगस्त काउंट करेंगे, जुलाई जहाँ पर जुलाई आया है वही अगस्त, आप जैसे आए हैं वैसे ही वापस भी जाएंगे। अगस्त में कितने डेज हो गए? 31 डेज। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर है 30 डेज। सितंबर, व्हाट कम्स आफ्टर सितंबर? अक्टूबर, अक्टूबर है 31 डेज। आफ्टर अक्टूबर नवंबर कम्स, नवंबर है 30 डेज। एट लास्ट दिसंबर कम्स, दिसंबर है 31 डेज। In this way, you will count how many days are there in the months. अब आपने देखा कि 1 month में 30 और 31 days होते हैं, और फरवरी में कितने days होते हैं? 28 और 29। 29 days कब होते हैं? जब leap year होता है, और leap year हर 4 years के बाद आता है। आप leap year कैसे calculate करेंगे? हर 4 years के बाद आपका leap year आता है। अब 1 year में कितने डेज होते हैं? 1 year has 365 days, and 1 leap year में कितने डेज हो जाएंगे? 366 days। क्यों हो गए? यहाँ पर 1 day क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि फरवरी में 29 days हो जाते हैं ना, that's why 1 leap year has 366 days। अब आप ये देखिए 2020 आपका लीप ईयर था ना, क्योंकि 2020 जो है 4 के से डिवाइड हो जाता है, सो 2020 इज योर लीप ईयर। अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2020 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 4 इयर्स के बाद। अब 2020 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि आपका लीप ईयर, नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा आपका? 4202। 2024 में आपका नेक्स्ट लीप ईयर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।